हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल. वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ एंजाइम टॉपिक. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी. एंड मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूँ तो एंजाइम प्लस सब्सट्रेट मिलके बच्चों बनाते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में. एंड एंजाइम अलग निकल जाता है एंड प्रोडक्ट अलग निकल जाता है, क्योंकि एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है. सो एंजाइम कैन बी यूज्ड इन अनदर रिएक्शन एंड फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाता है. मैंने इस रिएक्शन में और आपसे बात की थी कि ये जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, ये कहलाते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट्स होती हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिखती हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है. अनस्टेबल कोई भी चीज़ क्यों होती है बच्चों? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. मैं ये आपको इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आज की जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली इस पर बेस्ड है. क्या किस पर बेस्ड है? आज के टॉपिक का मेन कंसर्न है कि कोई भी चीज़ जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी भी चीज़ की ज़्यादा है तो वो उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, वो उतनी ही कम स्टेबल होगी. मतलब जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम स्टेबल. ये बात याद रखिए, ये आज की टॉपिक का मेन कंसर्न है. सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी. ये टॉपिक क्या है, क्यों मैं एक्टिवेशन एनर्जी डिस्कस कर रही हूँ, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं. मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि हम एंजाइम को बायो कैटलिस्ट, लास्ट टू लास्ट वीडियो में बोला था बायो कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन की जो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड को फास्ट कर देता है. कैसे स्पीड को फास्ट करता है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा के. राइट, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, वो कम देर में रिएक्शन होगी. मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर 2 घंटे में होने वाली है कोई प्रोसेस, तो वो एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मिनट में हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल है. सो ऐसे कौन से रिएक्शंस जो लिविंग प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं? सो बायो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, मगर कैसे, हाउ कम, किस तरीके से वो इंक्रीज करता है? इसका आंसर है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. कैसे बच्चों करता है? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी. देखो, अगर मैं कोई भी रिएक्शन को एक्टिवेट करती हूँ बच्चों, एक्टिवेट करना मतलब स्टार्ट करना, उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी चाहिए होती है. सो कम से कम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है एक रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों? मिनिमम, कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ रिएक्शन, या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. अंडरस्टूड? टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. गॉट इट? नाउ अगर मैं इसको आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके बताती हूँ तो आप आई थिंक इसको ईजिली समझ पाओगे. जैसे मान लीजिए ये 2 डोर है, या फिर मान लीजिए ये 1 डोर है. मैं फर्स्ट केस लेती हूँ जिसके आगे एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन रखा हुआ है. अब आपको इस डोर को क्रॉस करके अंदर जाना है, ये आप हो. राइट, आप क्या करते हो? इस डोर, इस स्टोन पे अकेले बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हो ताकि ये स्टोन हट जाए, एंड देन ओनली यू कैन एंटर इनसाइड. राइट, सो आपको मुझे बताना है कि फर्स्ट केस में, या पहले मैं आपसे सेकंड केस भी पूछ लेती हूँ. सेकंड केस में क्या है बच्चों? सेकंड केस में भी एक डोर है, उसके आगे बहुत बड़ा सा स्टोन रखा है. बट इस केस में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. आप बहुत सारे, क्या मैं 2-3 फ्रेंड्स बना देती हूँ. राइट, आपके 3 फ्रेंड्स हैं, आपको इन तीनों को अंदर जाना है रूम के. सो आप तीनों मिल के धक्का मारते हो इस स्टोन को, एंड देन यू कैन एंटर इनसाइड. नाउ कैन यू टेल मी, फर्स्ट केस में आपको ज़्यादा एनर्जी मेहनत लगेगी डोर स्टोन को हटाने में अंदर जाने के लिए, या सेकेंड केस में? ऑब्वियसली आपको फर्स्ट केस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि आप अकेले स्टोन को हटाने में मेहनत कर रहे हो. जबकि सेकेंड केस में आपको एनर्जी कम लगेगी. क्यों कम लगेगी? क्योंकि आपके 3 दोस्तों में एनर्जी बट गई है. सो 1/3 एनर्जी आपको इंडिविजुअली लगानी पड़ेगी. राइट, सो ऑब्वियसली सेकेंड केस में एनर्जी कम लगेगी. ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है, ये एग्जाम्पल आज के टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है. कैसे? जो केस आपके फ्रेंड्स ने किया है, जो आपके फ्रेंड्स ने आपको हेल्प की है, मतलब आपकी एनर्जी जितनी लग रही थी उसको कम कर दिया, वही सेम केस एंजाइम करता है बच्चों. कौन करता है? एंजाइम. एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी लग रही है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको कम कर देता है. ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन
फास्ट हो जाएगी. जैसे आपके दोस्त अगर आपको हेल्प कर देंगे तो आप जल्दी अंदर पहुंच सकते हो, वैसे ही एंजाइम अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है. इसके ऊपर एनसीईआरटी ने एक ग्राफ की हेल्प लेके इसको एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में. सो वो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो मैं उस ग्राफ को आपको बना के बताती हूँ. सो मान लीजिए बच्चों, ये एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस है. सो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी. क्या लेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. क्या ले रहे हैं बच्चों? वाई एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? एंजाइम की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है, सो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड देन फाइनली एंजाइम अलग निकल जाता है एंड आपको प्रोडक्ट मिल जाता है. दिस इज अ प्रोसेस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. और अगर बिना एंजाइम के आप कर रहे हो तो सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. अंडरस्टूड? नाउ मैं इस केस में फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. आपको आई थिंक बेसिक ग्राफ तो आता होगा, जितना ऊपर आप जाते जा रहे हो उतना ही ग्राफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी. मतलब यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, एंड देन ऊपर जितने आप जाते जाओगे 100 तक चली जाएगी वैल्यू. सो जितना आप ऊपर जाते हो ग्राफ में आपकी वैल्यू बढ़ती है, एंड एक्स एक्सिस पे जितना आप आगे जाते हो, यहाँ 10 है तो यहाँ 20, यहाँ 30, आई थिंक ये आपको मालूम होगा, बेसिक मैथ्स है ये. सो इतना रिएक्शन में आपका वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी. नाउ अगर मान लीजिए मैं आपसे सिंपल सा एक चीज़ बोलती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट की, किसकी बच्चों? सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है मान लीजिए, राइट? सो यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट है तो आपको प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या देनी पड़ेगी बच्चों? एनर्जी देनी पड़ेगी. सो जब आप इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे बच्चों, सो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. अब क्योंकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है अगर, सो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मतलब वो चीज़ कैसी होगी? अनस्टेबल होगी. मतलब स्टेबिलिटी जो है वो कम है. सो पोटेंशियल एनर्जी, आपको अगर किसी चीज़ को स्टेबल बनाना है पोटेंशियल एनर्जी कम करनी पड़ेगी. सो अगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली प्रोडक्ट की बच्चों क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. सो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है. सबस्ट्रेट के मुकाबले प्रोडक्ट कैसा है बच्चों? ज़्यादा स्टेबल है. नाउ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. क्या बोलते हैं बच्चों हम इस एनर्जी को? हम इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. अंडरस्टूड? सो ये जो एनर्जी है, अभी तक मैंने एंजाइम इस रिएक्शन में नहीं डाला है, हम सिर्फ सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो ये क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी. अभी हमने एंजाइम नहीं डाला है ना बच्चों, सो विदाउट एंजाइम, एंजाइम के बिना कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगती है हमें? इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगती है बच्चों. बिना एंजाइम के आपको इतना एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा. अब मान लीजिए मैं एंजाइम प्रोवाइड कर देती हूँ. सो एंजाइम का काम क्या था बच्चों? वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? अभी हमने क्या डिस्कस किया है? कम कर देता है. सो ईजिली, आसानी से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. यस. सो होगा क्या बच्चों? अगर मैं इस रिएक्शन में एंजाइम डाल देती हूँ, सो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी. एंड एक्टिवेशन एनर्जी इस केस में सिर्फ कितनी बचेगी? इतनी. समझ आ रहा है बच्चों? कितनी एक्टिवेशन एनर्जी बचेगी? सिर्फ और सिर्फ इतनी, राइट? सो ये एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है बच्चों? ये एक्टिवेशन एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम. कौन सी है बच्चों? ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम. सो एंजाइम के साथ में आपको कम एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट. गॉट इट? ये ग्राफ आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा, लेकिन हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ग्राफ को समझना है. नाउ क्वेश्चन यहाँ पे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनता है, और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, कि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट, इफ मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, इफ प्रोडक्ट इज एट हायर लेवल देन सबस्ट्रेट, इज एट हायर लेवल देन सबस्ट्रेट, तो क्या होगा? सो रिएक्शन विल बी, आपको बताना है मुझे इसका आंसर, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. गिव मी द आंसर. आप मुझे बताइए रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी अगर प्रोडक्ट हायर लेवल पे. हायर लेवल पे मतलब ऊपर है. ऊपर है मतलब
क्या हुआ इसका मतलब? अगर ऊपर है मतलब सिंपल सा, इसका मतलब हुआ कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है बच्चों, ऐसा मतलब यहाँ सबस्ट्रेट है, यहाँ प्रोडक्ट है, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल है, ठीक है? अब अगर प्रोडक्ट अनस्टेबल है, सिंपल सा मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछती हूँ, अगर प्रोडक्ट अनस्टेबल है, किसी भी चीज़ को स्टेबल बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैं फिर से तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल दो देती हूँ। जैसे मान लो तुम होए और तुम्हारा एम्स में सिलेक्शन हो गया है, राइट? तुम्हारा एम्स में सिलेक्शन हो गया एंड यू हैव बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, राइट? एंड तुमने PG VG कंप्लीट कर लिया, तुम एक बढ़िया डॉक्टर बन गए हो, ठीक है? और तुम अच्छा खासा पैसा कमाते हो, इमेजिन करो, राइट? और उसके बाद तुम्हारा एक फ्रेंड है जो कि अभी अपने लाइफ के स्ट्रगलिंग फेज में है और वो तुमसे कहता है, वो तुमसे 1000 रुपीज़ मांग रहा है, कह रहा है मुझे 1000 रुपीज़ दे दो, मैं तुम्हें उधार दे दूँ, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा, या मुझे 1000 रुपीज़ दे दो। क्या तुम सोचोगे देने से पहले? ऑब्वियसली नहीं, तुम उसे आराम से 1000 रुपीज़ दे सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद क्या हो बच्चे, स्टेबल हो, राइट? ये फर्स्ट सिनेरियो है, तुम इजीली दे दोगे। लेकिन सेकंड सिनेरियो क्या है कि तुम खुद स्ट्रगलिंग फेज में हो, तुम खुद अभी कैसे हो, अनस्टेबल हो, तुम खुद अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हो थोड़े थोड़े, एंड तुम्हारा दोस्त इस केस में आता है और वो तुमसे कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दो, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको ऑब्वियसली, वो तुमसे बोल रहा है कि मुझे 1000 रुपीज़ दे दो, तुम उससे बोलोगे कि मैं तो अपने खुद पेरेंट्स से मांग रहा हूँ, राइट? तुम खुद बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो तुम अपने पेरेंट्स पे, तो तुम ऑब्वियसली उसको नहीं दे पाओगे, बल्कि तुम ये चाहोगे कि वो तुम्हें दे दे, क्योंकि तुम अनस्टेबल हो तो तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। अंडरस्टूड? सो इस केस में, सेकेंड केस में यू रिक्वायर मनी, है ना? लेकिन फर्स्ट केस में जब तुम स्टेबल हो तो तुम किसी को भी दे सकते हो। अब सोचो, इसको रिलेट करो यहाँ से, कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल है। अगर प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो इसको खुद एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, इसको खुद तुम्हें एनर्जी हीट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? तुम जब इसको एनर्जी दोगे, मान लो तुमने हीट के फॉर्म में एनर्जी दे दी, तो ये रिएक्शन में तुम एनर्जी दे रहे हो, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। समझ आ रहा है? सो अगर प्रोडक्ट इज एट हायर लेवल देन सबस्ट्रेट, देन रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। वही अगर मैंने तुमसे पूछा होता कि प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, अगर मैंने तुमसे पूछा होता प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, तो क्या होता आंसर बच्चों? लोअर लेवल का मतलब क्या होता है? तुम्हारा जैसे हमने पहले ग्राफ बनाया था कि मतलब लाइक घर, राइट? तुम्हारा प्रोडक्ट ये है, ये है मन रहा है प्रोडक्ट। सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट इस केस में पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है। अगर तुम स्टेबल होगे तो तुम अपने दोस्त को पैसे दे पाओगे? येस, यू कैन गिव एक्स्ट्रा, जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट होगा तुम उसे दे सकते हो। सो यहाँ पर भी क्या केस है कि जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो तुम, या फिर जो प्रोडक्ट के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में रिलीज कर सकता है? हीट के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अगर प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट तो रिएक्शन कैसी होगी बच्चों? देन रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। बट अगर प्रोडक्ट इज एट हायर लेवल देन रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। आई होप I am able to answer you all the questions and I have discussed this topic in detail. अब आप NCERT read करिए, question solve करिए previous year के, I hope आप इसको solve कर पाओगे। In the next class मैं और भी properties को discuss करूँगी, जैसे कि turnover number and other, and then after that हम factors पे जाएंगे, factors affecting the enzyme activity, which is again a very very important topic.